मेरा नाम है निखिल पंवार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की हमारी वीडियो जो रहने वाली है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VDI के ऊपर रहने वाली है। बाहर की रियर कंडीशन आप कुछ देख पा रहे होंगे, गाड़ी किस तरह की है। आफ्टर मार्केट लगे हुए आपको इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, 165/80/R14 14 इंच के अलॉय व्हील है। कंपनी साइज के ही आपको इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसके रियर में आपको किसी तरह की कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, वैसे आती है लेकिन ये हटवाई हुई है। तो अलॉय व्हील बड़े डलवाने का एक नुकसान मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप कटिंग करते हैं ना, तो ये जो फेंडर लाइन ऊपर लगी होती है ये घिस जाती है, इनमें टायर लगता रहता है। इसमें वैसे तो ठीक है 14 इंची का डला हुआ है, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल टायर के मुकाबले, और ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये साइड आपको लगती रहती है। इसमें कंडीशन आपने देख ली दोस्तों, इसमें हेडलाइट आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है, फोग लाइट कंपनी फिटेड मिलती है। 2012 का ये मॉडल है, VDI मॉडल है। गाड़ी का इंजन है DDI की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग। इंजन में भी इसका सर्विसिंग वगैरह के लिए थोड़ा बहुत कुछ काम होने के लिए खुला हुआ है, बाकी बोनेट वगैरह आप देख सकते हैं, गाड़ी का पेंटेड है। इधर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एमरोन की बैटरी रखी हुई है आफ्टर मार्केट, जो इसके साथ में आई थी वो नहीं है बैटरी। यहाँ पे इसका कूलेंट डलता है, ये इसका एयर फिल्टर है, ये इसका डीजल फिल्टर है, यहाँ पे इसमें मोबिल ऑयल डलता है इंजन का, ये ब्रेक ऑयल है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर मिलता है। दोस्तों आपको इंजन की साउंड सुनवाते हैं, कुछ इस तरह की इंजन की साउंड है जो कि ओरिजिनल है। दोस्तों इंजन गाड़ी का ओरिजिनल कंडीशन में है, बाकी गाड़ी ठीक है, 2012 मॉडल है। आपको लेके चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। यहाँ ड्राइवर के राइट साइड में नीचे बूट स्पेस डिग्गी खोलने के लिए स्विच में दिया जाता है, ये खुल गई। पीछे इसमें आपको किसी तरह का कोई बटन नहीं मिलता है, ZDI में आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो लाइट्स भी मिलती हैं। ये दोस्तों बूट स्पेस है इसका। गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि कल रात बारिश हुई थी। इसको आप यहाँ से पकड़ के ऐसे बंद कर सकते हैं। गाड़ी दोस्तों पेंट हो चुकी है एक बार, इसका कुछ रियर लुक। नीचे वाला बल्ब आपको ऐसे ही मिलता है, रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करता है, उसमें बल्ब वगैरह नहीं लगे हुए किसी तरह के। हेडलाइट इसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है, LED वगैरह वाली हेडलाइट आपको इसमें नहीं मिलती है। दोस्तों ये गाड़ी के रियर साइड की बात कर ली जाए तो आप पावर विंडो VDI मॉडल में देखने को मिलता है, विद 4 स्पीकर पावर। सेंटर लॉक आपको कंपनी फिटेड मिलता है, सीट कवर इसमें फैब्रिक के लगे हुए हैं, 4 हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको इसमें मिल जाता है, रियर सीट आपको इसमें बेंच में मिलती है, डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं, ORBM आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं। फ्रंट विंडो की बात कर ली जाए तो दोस्तों फ्रंट विंडो में आपको यहाँ पे कुछ पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये गाड़ी का अनलॉक लॉक के लिए होता है, ये ORBM उसका, ये इनका कंट्रोल उधर से बंद करने के लिए होता है, ये आपका ORBM कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ORBM मिल जाते हैं। दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। ड्राइवर सीट और कंडक्टर सीट आपको 6-way एडजस्टेबल मिलती है, मैनुअल एडजस्टेबल मिलती है। हाइट अप एंड डाउन का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ORBM भी इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते हैं क्योंकि ये 2012 का मॉडल है। अंदर की तरफ आ जाते हैं। ड्राइवर साइड में राइट में नीचे आपको ये कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर के कंट्रोल है, ORBM के कंट्रोल है और हाइट एडजस्ट के कंट्रोल है। पावर स्टीयरिंग आपको इसमें टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग पे आपको डैक के किसी तरह के कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं। ये इसका मीटर है, इसमें आपको ORBM मीटर मिल जाता है, स्पीड मीटर मिल जाता है, टेम्परेचर मीटर और फ्यूल मीटर। यहाँ पर आपको कुछ साइन वगैरह भी मिल जाते हैं। ये छोटी सी MID इसमें मिलती है, 92,507 किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी है, 21.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ही अभी फिलहाल निकाल रही है।
दोस्तों ये इसका गियर नॉब है, यहाँ पे आपको कुछ कप होल्डर मिल जाता है, ये कुछ थोड़ा सा स्पेस, हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको। फाइव गियर में मैनुअल में आपको एक कार देखने को मिलती है, 1.2 लीटर का डीजल इंजन इसमें होता है, और फोर वॉल्व फोर सिलेंडर के साथ में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। लोकल में ये गाड़ी लोकल हाईवे का मिला के 22-23 का एवरेज दे रही है, ऐसा इसके ओनर ने हमें बताया। ये ग्लोबल बॉक्स मिल जाता है, ये कुछ सामान थोड़ा सा रखने के लिए आपको इसमें मिल जाता है, ये एसी के मैनुअल एडजस्टेबल कंट्रोल आपको इसमें मिल जाते हैं, ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, इसमें आपको ओक्स यूएसबी और सीडी प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ये मैनुअली एडजस्टेबल एसी के कंट्रोल, ये आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। रीडिंग लैंप दोस्तों इसमें कोएवल बीच में मिलते हैं, आगे पीछे नहीं मिलते, ये भी इन्होंने एचआईडी लगवाई हुई है इसमें, सॉरी एलईडी लगवाई हुई है इसमें। सीट बेल्ट वार्निंग और डोर एजर वार्निंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। अगर इंजन के अंदर कैबिन साउंड की बात कर ली जाए तो कुछ इस तरह की साउंड आती है, बहुत हल्का सा कैबिन साउंड रहता है, आप जानते ही मारुति के इंजन काफी साइलेंट होते हैं, काफी कम आवाज वो करते हैं। ड्राइवर साइड में छोटा सा आपको वॉलेट बॉक्स यहाँ पे भी मिल जाता है, आप इसमें वॉलेट वगैरह या फिर आईडी वगैरह रख सकते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की एक ये बात होती है कि ये काफी स्मूथ चलता है, बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है। दोस्तों मारुति में आपको इधर लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं और राइट साइड में आपको इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं, बाकी इस तरह का आपको इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये मिल जाता है, बीच में ऐसा कुछ नहीं मिलता है एसी के इसमें पोर्ट में, उधर आपको ये मिल जाता है एडजस्ट करने के लिए, इसमें आपको मैनुअल एडजस्टेबल ये मिल जाता है मिरर, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिलती है, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है कंडक्टर के लिए। दोस्तों हैंडल इधर मिलता है आपको कंडक्टर साइड में, ड्राइवर साइड में हैंडल आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये गाड़ी 2012 मॉडल मैंने आपको बताया, किलोमीटर भी मैंने आपको बताया कि ये 92,507 किलोमीटर चली। दोस्तों सस्पेंशन वगैरह की अगर बात कर ली जाए तो आप देख रहे होंगे किसी तरह की कोई आवाज गाड़ी के अंदर नहीं आती है, बिल्कुल साइलेंट है। क्लच वगैरह में क्लच प्लेट वगैरह क्लच काफी अच्छा काम कर रहा है, पिकअप भी काफी अच्छा है इसके अंदर। प्राइसिंग वगैरह के लिए आपको स्क्रीन पर इधर जो कार्ड आ रहा है दीमान मोटर्स का, इस पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, वही आपको इसका प्राइस बता पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के नाम लेके आते हैं, चैनल का नाम लेकर आप यहाँ पे लेने के लिए गाड़ी को आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सही प्राइस में जेन्युइन प्राइस में बिल्कुल ये गाड़ी मिलेगी। अगर आप नहीं भी नाम लेके आते तो भी आपको अच्छे रेट में ही मिलेगी, लेकिन अगर आप मेरा नाम लेके आएंगे निखिल पंवार से बताएंगे कि हमने निखिल पंवार से देख के आपको संपर्क किया, तो आपको और थोड़ा डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों हमारी अपडेट्स को अगली अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल पाए हम आगे आने वाले टाइम में किस तरह की गाड़ी की वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद।